Hello friends in this video we will talk about Wb east one of the famous writer of modern age we are discussing the writers of modern age so let's start to talk about wb east he was one of the famous writer of modern age as we all know he was born in 1865 and he was died in 1939 let's talk about his life ही वॉज बॉर्न इन डब्लिन वो डब्लिन में पैदा हुए थे एंड लेटे ही मूव टू लंडन उसके बाद में वो लंडन चले गए थे फुल नेम इज विलियम बटलर ईस्ट तो आपको फुल नेम भी सबके पता होना चाहिए फुल नेम इज़ विलियम बटलर ईस्ट एज वी सी इन इज वर्क ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट तो जैसे कि हम उनके वर्कस में देखते हैं ही वॉज स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट ईस्टर नाइनटीन सिक्सटीन हम देखेंगे

राइटिंग्स उस टाइम पे प्रोड्यूस की जा रही थी जब डब्ल्यू बी ईस्ट भी लिख रहे थे एंड वेन आइलैंड गॉट फ्री ही वॉज अपॉइंटेड एज द सेनेटर जब आइलैंड फ्री हुआ तो उसके बाद में उन्हें अपॉइंट किया गया एज ए सेनेटर सेनेटर का मतलब होता है ऑन बिहाफ ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड सेनेटर जो अपनी कंट्री के मुद्दे के बारे में बात करे उसे senator बोला जाता है ओके एंड ही वॉज अगेंस्ट कैथलिज्म तो अगेंस्ट गर्ल होम डब्ल्यू बी ईस्ट ऑलवेज लव तो ये एक लड़की है जिसे वो हमेशा प्यार करते थे एंड ही प्रपोस हर उन्होंने उसको प्रपोज भी किया था मॉडगोन को लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था शी रिजेक्टेड एंड मैरिड समवन एल्स और उनको रिजेक्ट करके उसने और किसी से शादी कर ली थी ही ऑल्सो मैड लेडी ग्रिगरी हु अलोंग विथ डब्ल्यू बी ईस्ट रोड प्ले ऑन आयरिश सब्जेक्ट तो वो फिर मिले लेडी ग्रेगरी के साथ जो डब्ल्यू बी ईस्ट के साथ उन्होंने आयरिश सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी सारी राइटिंग्स लिखी दैट इज़ वेर दे सेटअप अबे ए थिएटर और दोनों ने मिल के अब थिएटर के नाम से एक थिएटर सेटअप किया जो किस लिए था विच इज़ कॉल्ड एस आयरिश नेशनलिस्ट थिएटर जिसे आयरिश नैशनलिस्ट थिएटर भी कहा जाता है और जो उनके एपिथैप लिखी हुई है रिटर्न ऑन इज डेथ जो उनकी डेथ पे एपिथैप लिखी थी वो क्या थी कास्ट ए कोल्ड आई ऑन लाइफ ऑन डेथ हॉर्स हॉर्स मैन पास बाय कास्ट ए कोल्ड आई ऑन लाइफ ऑन डेथ हॉर्स मैन पास बाय तो ये आपको याद रखनी है बहुत इम्पोर्टेंट जो एपिथैप्स होती है बहुत फेमस राइटर्स की उनके डेथ के ऊपर लिखी जाती है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वो सभी की आपको याद रखनी है तो इसकी थी इनकी थी कास्ट ए कोल्ड आई ऑन लाइफ ऑन डेथ हॉर्स मैन पास बाय तो आगे चलते हैं ही रिसीव नॉबल प्राइज़ इन नाइनटीन तो नॉबल प्राइज़ इनको मिला था नाइनटीन थ्री रिसीव ए नोबेल प्राइज इन नाइनटीन टवेंटी थ्री ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द घोष्ट क्लब तो मेम्बर ऑफ द घोष्ट क्लब के मेंबर थे इट इज ए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विच कैरिड ऑन रिसर्च ऑन घोष्ट अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एमैन्युअल स्वीडनबॉग तो ये किसके इन्फ्लुएंस में लिख कर रहे थे इमैनुअल स्वीडनबॉग और रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि से भी ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे डब्ल्यू बी ईस्ट और डब्लू बी ईस्ट डाइड इन नाइनटीन और उनकी डेथ कब हुई नाइनटीन में हमने लास्ट डब्ल्यू एच ऑर्डन की जो वीडियो करी थी उसमें हमने बोला था कि डब्लू बी ईस्ट की डेथ हुई थी नाइनटीन में एंड डब्ल्यू एच ऑर्डन लेफ्ट ओवर यू एस इन नाइनटीन थर्टी नाइन तो ये आपको याद रखना है दोनों के बीच की जो मेन चीज़ें हैं वो याद रखनी होती है कि 1939 में दो राइटर्स की क्या लाइफ में कौन से ज्यादा चेंजेस आए थे तो एक की डेथ हुई थी एक ने जो इंग्लैंड छोड़ के यू में चले गए थे एंड ही वाज आल्सो एसोसिएटेड विथ आयरिश मैथोलॉजी तो वो किससे आयरिश मैथोलॉजी से भी काफी ज्यादा जुड़े हुए थे विथ आयरिश लिटरेरी रिवाइवल जैसे कि मैंने कहा आयरिश लिटरेरी रिवाइवल से वो जुड़े हुए थे ही पब्लिश्ड ए कलेक्शन ऑफ़ पोएम्स तो उन्होंने एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश किया था का नाम था विच इज कॉल्ड द सेल्टिक ट्विलाइट द सेल्टिक ट्विलाइट तो कलेक्शन ऑफ पोएम्स आपको आपको याद रखना है आयरिश लिटरेरी रिवाइवल में इन्होंने ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स लिखी थी द सेल्टिक ट्विलाइट तो बात करते हैं लास्ट ईयर्स के पेपर्स की जो लास्ट ईयरस के पेपर्स में क्वेश्चन आ रखे हैं तो एक बार लास्ट ईयर्स के पेपर के क्वेश्चन देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चा कभी को भी कोई भी पेपर देने से पहले हमें लास्ट ईयर्स के पेपर टेन ईयर्स के बैक पेपर्स तो ज़रूर गो थ्रू करके जाने चाहिए तो साथ के साथ हम वो भी कर रहे हैं ताकि आपको ये भी ना रहे कि मैंने पेपर नहीं किया तो क्वेश्चन जो मैं बोलती हूँ तो आंसर करने की कोशिश करें अपने ही आप ओके तो मेरे आंसर देने से पहले मैं वीडियोज़ बहुत ही शॉर्ट बनाती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम वेस्ट हो और क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक एक मिनट एक एक सेकेंड्स उनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो इतना कंटेंट मैं अपने उसमें देती हूँ जो आपको दो घंटे का कंटेंट मैं आपके पंद्रह बीस या आधे घंटे की जो वीडियोज बनाती हूँ उसमें मैं आपको कंटेंट उतना प्रोवाइड कर रही हूँ जो आप पूरे दिन ढूंढ ढूंढ के करते हो तो इसीलिए जो क्वेश्चन आंसर्स है उनको भी एक बार अच्छे से आप खुद आंसर अगर आपने पूरा सिलेबस कर लिया है तो क्वेश्चन आंसर जरूर करने की कोशिश कीजिए जो क्वेश्चन

He was the last Romantics. He was the last Romantics. He was referring to himself and his friend into the Irish literary revival. The answer is this was the term coined by W.B. East. So, this term they was the लास्ट रोमांटिक्स तो ये टर्म किसने दिया था डब्ल्यू बी ईस्ट ने दिया था तो ऑल आयरिश लिटरेरी रिवाइवल मेंबर्स आर कॉल लास्ट रोमांटिक्स जो जितने भी लिटरेरी रिवाइवल मेंबर्स थे उनको क्या कहा जाता था लास्ट रोमांटिक्स कहा जाता था तो ये याद रखना है लास्ट रोमांटिक्स किसको कहा जाता था और सारे जो लिटरेरी रिवाइवल के मेम्बर्स थे उनको कहा जाता था द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ होम डी डब्ल्यू बी ईस्ट से दैट दे आर द लास्ट रोमांटिक्स तो किसको उन्होंने कहा था कि वो लास्ट रोमांटिक्स है तो आंसर इज हिज फ्रेंड्स इन द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल तो क्वेश्चन ट्विस्ट करके देखो वो कौन सी ईयर में आया था और ये उसके दो साल बाद में आया हुआ क्वेश्चन है तो कैसे भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस उन्हीं को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस आपको कंटेंट का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या लिखी गई है तो आपको कोई भी इशू नहीं रहेगा आपको इसका आंसर देने के लिए तो वो लास्ट रोमांटिक्स किसको बोलते थे जो उनके फ्रेंड्स उनके साथ जुड़े हुए थे आयरिश लिटरेरी रिवाइवल में उन्हें लास्ट रोमांटिक्स कहा जाता था तो अब किसी भी तरीके से ये आए तो आप इसका आंसर जरूर करिएगा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज होम एमोंग द फॉलोइंग कोलाबरेटेड विथ पुरोहित स्वामी इन ट्रांसलेटिंग द टेन प्रिंसिपल उपनिषद इन इंग्लिश तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ होम ऑफ द फॉलोइंग कोलाबरेटेड विथ पुरोहित स्वामी इन ट्रांसलेटिंग द टेन प्रिंसिपल उपनिषद इन इंग्लिश तो टेन जो प्रिंसिपल्स थे उपनिषद के उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए किसके साथ कोलैबोरेट किया था पुरोहित स्वामी ने तो आंसर इज डब्लू बी ईस्ट बच्चों याद रखना है डब्लू बी ईस्ट ओके तो ये था इनकी लाइफ के बारे में अब इनके वर्क्स की तरफ चलते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए द फर्स्ट वर्क इज आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक ज़रूर करें जब भी देखें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है और कोई डाउट हो तो कमेंट करें मोटिवेट करने के लिए भी ज़रूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर किया करें वीडियो तो ज़रूर शेयर करनी है ताकि पढ़ने वाले बच्चे और भी जुड़े हों उनको भी पता चले कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस जिसपे आपको सारा सिलेबस सारे राइटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे और बिना वेस्ट टाइम वेस्ट हुए सिर्फ पढ़ने के लिए ओके तो हम ये जो 10-15 मिनट जो भी होती है हम इसमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको देने की कोशिश करते हैं टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए आपको सारा मटेरियल वहां पर ही दिया जाएगा तो आप चाहे नेट से हो आपने चाहे आपको नेट करना हो जे आर एफ करना हो एस टेट करना हो एच टी करना हो सी टेट करना हो सभी में राइटर्स के बारे में पूछा जाता है इंग्लिश में तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है सभी के लिए और शॉर्ट्स भी ज़रूर देखा करें तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी खासी इम्प्रूव होगी और स्टार्ट करते हैं वर्क्स की तरफ द फर्स्ट वर्क इज़ द वंडरिंग ऑफ आइसिन द वंडरिंग्स ऑफ आइसिन तो फर्स्ट वर्क है द वंडरिंग ऑफ आइसिन एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन एटीन एटी में पब्लिश हुआ था इट इज़ एन एपिक पोयम ये क्या है एक एपिक पोयम है एंड इट इज बेस्ड ऑन द आयरिश सागा तो किसके ऊपर बेस्ड है आयरिश सागा अब आयरिश सागा क्या होता है मीन्स माइथोलॉजी ऑफ आयरिश स्टोरीज तो माइथोलॉजी आयरिश स्टोरीज की एंड द फेरी प्रिंसेस नैम फेल इन लव ऑसिन पोएट्री तो फेरी प्रिंसेस होती है नम उसको प्यार हो जाता है किससे की से एंड तो वो उससे प्रार्थना करती है कि अरे प्लीज मेरे साथ चलो इमोटल आइलैंड पे दोनों चलते हैं इट इज बेस्ड ऑन द हीरो ऑइसिन तो ये किसके ऊपर स्टोरी है हीरो ऑस्ट के ऊपर एंड सेंट पैट्रिक दोनों के ऊपर हु कन्वर्टेड आइलैंड इन टू क्रिस्चियन जिन्होंने आयरलैंड को किस में कन्वर्ट कर दिया था क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया था तो दिस इज ऑल अबाउट द वंडरिंग ऑफ ऑयसिन तो जो जिस जितना पूछा जाता है एग्जाम्स में और जितना कंटेंट उसके लिए सफिशिएंट है कि मैं दस पेज पे एक एक लाइन समझाए जाऊँ समझाए जाऊँ वो नहीं इस प्लेटफॉर्म पे इतना ही हम करेंगे जितना मतलब वो पूरा जो है उसको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको दिया जा रहा है तो इसमें बिल्कुल भी डाउट ना करें हंड्रेड है मैं बोलती हूँ टू अगर आप सारी वीडियोज़ अच्छे से देख के जाएंगे तो आपके कोई भी एग्जाम हो कोई भी एग्ज़ाम हो आपका ईजिली क्रैक होगा लेकिन शिद्दत से आपको वीडियो सुननी है जो लास्ट में जो आपको स्लाइड्स दी जा रही है उनको भी पॉज करके सभी को पढ़ना है तब लेकिन ये नहीं कि भाई मैंने वो भी नहीं पढ़ा ये भी नहीं पढ़ा मेरा एग्जाम देखने से ही क्रैक हो जाएगा तो वैसे नहीं होता बच्चों आप भी मेहनत करें हम भी मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर इतना जो आपका 200 पेज का कंटेंट है वो 50 पेज में आपको मिल रहा है तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ इनमें डाला जा रहा है तो इतनी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी तो स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट वर्क जो हम हमेशा से डब्ल्यू बी एच का पढ़ते आ रहे हैं हमारे स्कूल टाइम में भी जो था द लेक आई सेल ऑफ़ इंस्फियर द लेक आई सेल ऑफ इंसफियर तो ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता है हेस्टेट में भी ये आ रखा था तो ये द लेक आईसेल ऑफ इंसफियर इट वॉज पब्लिश्ड इन एटीन नाइनटीन में ये पब्लिश हुआ था इट इज य ट्वेल्व लाइन पोयम सिर्फ बारह ही लाइन्स का ये पोयम है कंप्राइजिंग थ्री क्वार्ट थ्री क्वार्ट मतलब चार चार आठ चार बारह तो so, चार चार का ये थ्री क्वार्टर्स में लिखा गया है एंड इट इज़ ए रियल प्लेस नियर द कोस्ट ऑफ़ आयरलैंड तो ये जो नाम है द लेक आइसल ऑफ इंसफियर ये क्या है एक रियल प्लेस है को कहाँ पे आयरलैंड के पास एंड डब्ल्यू बी ईस्ट स्पेंड हिज समर दे और डब्ल्यू बी ईस्ट क्या करते थे अपना समर का टाइम वहाँ पे बिताते थे ही डिसाइड टू टॉक अबाउट दिस प्लेस एंड उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस प्लेस के बारे में बोलूँगा एंड इट इज़ फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड सीनरी क्योंकि ये फुल ऑफ जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ हमने देखे हैं नेचर के पास जाके बात करते थे वैसे ही ए डब्ल्यू बी ईस्ट भी नेचर की बात कर रहे हैं नेचर की ब्यूटी की बात कर रहे हैं नेचर की, है, की सीनरीज की बात कर रहे हैं एंड थीम इज़ द इंटरप्ले बिटवीन नेचर एंड सिविलाइजेशन थीम क्या है इंटरप्ले दोनों के बीच में नेचर एंड सिविलाइजेशन के बाद वो फेडअप हो चुके थे वो मटीरियलिस्टिक लाइफ जी जी के शहरी जीवन जिसमें पो पो पी पी गाड़ियों की ये वो और नेचर के पास उनको जाके सुकून मिलता है तो हर किसी को सुकून मिलता है ये नहीं कि उन्हीं को मिल रहा है आप भी नेचुरल प्लेस नेचर में जाके देखिए बहुत अच्छा लगेगा बहुत सुकून मिलता है ये आजकल के लोग बोलते हैं ना डिप्रेशन हो गया ये हो गया वो हो गया सब फ़ालतू की बातें हैं अगर आप नेचर के पास इससे बढ़िया दवाई और हो ही नहीं सकती अगर आप अपना टाइम नेचर के पास जाके बिताएंगे तो ये सारी चीज़ें हाँ इंसान फैडअप हो जाता है एक अर्बन स्टेट में रह के इस शहरी जीवन जी जी के और डेली की भाग दौड़ से थोड़े से दिन रिलैक्स होके जिए तो बहुत ही अच्छा लगता है ही टॉक्स हाउ वी ही वॉन्ट्स टू रिटर्न टू नेचर बाय ब्लूइंग बीन्स तो वो बताते हैं कि कैसे मैं वापस रिटर्न नेचर के पास आया एंड लाइंस इसकी जो फर्स्ट लाइन है पोएम की वो है आई विल अराइज एंड गो नाउ आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड ही से आई डोंट वांट टू बी इन सिटी वो बोलते हैं कि मुझे नहीं रहना भैया सिटी में एंड वॉन्ट टू बी इन इन फ्री एंड बी विद द नेचर मैं इन फ्री में रहना चाहता हूँ नेचर के साथ रहना चाहता हूँ मैं शहर में नहीं रहना चाहता तो ये थी ऑल अबाउट द लेक आई सेल ऑफ़ इंसफियर तो ये इतना ही इसमें आपको याद रखना है आई विल अराइज़ एंड गो नाओ और इसका जो आपको स्लाइड्स है वो लास्ट में मिल जाएगी तो स्लाइड्स को एक एक को पॉज करके ज़रूर पढ़े और इतना ही आपको पता होना चाहिए कि इसमें किसके बारे में बोला गया है हनी बीस की जो आवाज़ें हैं वो उनको बहुत अच्छी लग रही है नेचर में जो भी होता है मतलब वो उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत सुकून दे रहा है और इसीलिए वो नेचर की बात कर रहे हैं और इसमें वो अपनी पसंदीदा जगह की बात कर रहे हैं द लेक आइसल ऑफ इंस्पियर जो कहां पे है आईलैंड के कोस्टल एरिया में है तो यह थी द लेक आइल ऑफ इंस्पियर द नेक्स्ट इज सॉन्ग ऑफ वेंडरिंग एंगनस सॉन्ग ऑ ऑफ विंग एंगस सॉन्ग ऑफ वंडरिंग एंगस एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन एटीन नाइन्टी नाइन में पब्लिश हुआ था एंड इन दिस पोएम ही इज़ टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ लव एंड ऑल्सो टॉक्स अबाउट फिशिंग तो इसमें किसके बारे में बात करते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ लव के बारे में बात करें हैं और फिशिंग के बारे में बात करें हैं एंड ही इज़ एंड ही इज़ आयरिंग फॉर दिस गर्ल बट ही नोज दैट दिस दिस इज़ ए गर्ल फॉर होम हिज हार्ट किक के हार्ट बीट तो uh, इसमें क्या है इ, दिस गर्ल जिसकी इमेज उसे अच्छे से दिखाई नहीं, तो नहीं दे रही है बट ही नोज दैट दिस इज़ ए गर्ल फॉर होम हिज हार्ट किक तो इमेज अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है धुंली धुलली इमेज है और फिर भी उसे लगता है कि भाई हाँ ये मेरे दिल की धड़कन को बढ़ा रही है ही सेस हाउ द गर्ल इज़ अन एटेनेबुल तो भाई उसे पता है कि भाई मैं उसको नहीं पा सकता तो ये इसके बारे में है जो जो फिश उसको हाथ में आती है वो एकदम गर्ल में चेंज हो जाती है तो ये दिस इज ऑल अबाउट सॉन्ग ऑफ़ ऑफरिंग एग्नेस और लास्ट लाइन्स है इसकी सिल्वर एप्पल्स ऑफ द मून द गोल्डन एप्पल्स ऑफ द सन सिल्वर एप्पल्स ऑफ द मून एंड द गोल्डन एप्पल्स ऑफ द सन दिस आर द लास्ट लाइन्स ऑफ द सॉन्ग ऑफ वंडरिंग एंगस और रे ब्रैडबरी अमेरिकन राइटर है हैज़ रोट ए शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन और इन्होंने भी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लिखा है किसका नाम से द गोल्डन एप्पल्स ऑफ द सन द गोल्डन एप्पल्स ऑफ द सन तो डोंट बी कन्फ्यूज़ कि डब्लू बी ईस्ट का नाम हो रे ब्रैडबरी का नाम ना हो और आप सोचो अरे रे ब्रैडबरी ने लिखा था या रे ब्रैडबरी का नाम हो और आप सोचो कि अरे डब्ल्यू बी ईस्ट ने लिखा था तो वैसे कन्फ्यूज़ नहीं होना है इसीलिए मैं सारी चीज़ आपको कनेक्ट करके दिखा देती हूँ बता देती हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ही ना हो आपका जो डाउट हो वो सारा क्लियर हो जाए तो इसमें रे ब्रैडबरी ने भी सेम लिखा है एक कलेक्शन लिखा है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है ये और और वो क्या था पोयम है तो आपको ये याद रखना है ये पोयम है ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है तो इसमें इन्होंने सेम जो टाइटल लिया है तो इसमें लास्ट इयर्स के पेपर में जो क्वेश्चन आ रखा है क्वेश्चन देख लेते हैं दिस फ्रेज गोल्डन एप्पल्स ऑफ द सन हैज बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द ईस्ट पोयम बाय रे ब्रैडबरी फेमस राइटर तो किसने लिया है जो रे ब्रैडबरी है उन्होंने डब्ल्यू बी ईस्ट के कौन से पोयम में से जो लिया है तो आंसर इज द सॉन्ग ऑफ वनडरी एंगस तो सॉन्ग ऑफ वनडरी एंगस ने से रे ब्रैडबरी ने ये जो टाइटल है वो लिया है अपनी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के लिए द गोल्डन एप्पल्स ऑफ द सन तो कल हम करेंगे इनकी फेमस राइटिंग ईस्टर्न 1916 जिसमें हम देखेंगे इनके नेशनलिज्म को नेशनलिस्ट रिवॉल्ट को आयलैंड के कैसे ये इसमें दर्शाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे तो कल की वीडियो जरूर देखेगा तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले लाइक करें कोई डाउट हो तो कमेंट करें मोटिवेट करने के लिए भी कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी तो स्लाइड्स को भी ज़रूर एक एक स्लाइड को पॉज करके ज़रूर पढ़ें मैं थोड़ी स्पीड में लगा के रखती हूँ आप अपने हिसाब से उनको देखें और पॉज करें तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग